हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट्स कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्का रेसिपी। तंदूर के बिना होटल जैसे टेस्ट वाला पनीर टिक्का घर पर कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। ये ऑप्शनल है, तंदूरी मसाला नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून तेल। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे क्यूब्स में कट करके लिया हुआ 1 बड़ा शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 1 बड़ा प्याज। प्याज को क्यूब्स में कट करके ऐसा खोल के लिया है। इसको मिक्स करेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम पनीर। पनीर को थोड़ा बड़ा साइज में क्यूब्स में कट करके लिया है। इसको मिक्स करेंगे। अभी इसको ऐसा टॉस करके मिक्स करेंगे, नहीं तो पनीर टूटने का चांसेस है। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। वुडन स्कीवर्स को पानी में डाल के 10 मिनट के लिए सोक करेंगे। 1 घंटा हो चुका है। अभी इसको फिर से मिक्स करेंगे। अभी स्कीवर्स में पनीर को ऐसा लगाएंगे। सबसे पहले प्याज को लगाएंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, भी पनीर, फिर से रिपीट। अभी ये रेडी हो चुका है। अभी दूसरा स्कीवर्स भी रेडी करेंगे। अभी ये रेडी हो चुका है। अभी इसको ग्रिल करेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अभी इसमें स्कीवर्स को ऐसा लगाएंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी एक साइड से पक चुका है। अभी इसको फ्लिप करके चारों साइड से अच्छे से पकाएंगे। पैन को गैस से नीचे उतार देंगे। इसमें रखेंगे ग्रिल। पनीर को डायरेक्ट गैस में रोस्ट करेंगे। इसे अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। यम्मी पनीर टिक्का रेडी हो चुका है। इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। देखिए पनीर कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको पनीर टिक्का रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।